अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियालकोट न्यूज़ पर आप सबको खुश आमदीद। अवामी राय के नए प्रोग्राम के साथ अली रज़ा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान बनाने के लिए, मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क में खुशहाली लाने के लिए 100 रोज़ मांगे थे और 100 रोज़ अब मुकम्मल हो चुके हैं। आइए जानते हैं अवाम से, क्या इन 100 रोज़ में अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है या नहीं। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सियालकोट न्यूज़ .tv को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं अवाम के पास। वो कोई नहीं पहन दी करेगा, चोर साला करेगा कि महंगाई बड़ी है। 1000 रुपया शामी दराइए दिन जर तो पहले सवेरे मुक जाता। कहता माड़ा बंदा दुनिया का नहीं रहेगा, तो भैन माड़ा बंदा नहीं रहेगा दुनिया के, कितने जाएगा। पीटीआई वाले कह रहे हैं वो बड़ा अच्छा लीडर है, नेक तजीम लीडर है। कोई भी नहीं लीडर है अच्छा। पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, कोई गल नहीं, महंगाई जिनी मर्जी हो जाए 200 रुपये लीटर भी तेल मुल ले सकते हैं। पर इमरान खान ज्यादती वह करता है माड़िया बंद। पीटीआई वाले तो कह रहे हैं एडा नेक लीडर तो तारीख च नहीं आया। उन्होंने नबी का नाम नहीं आता, सही नबी का नाम नहीं आता, नाम बोली का नबी का नाम किंज लैना। मदीने की फलाही रियासत बनावा। मुसलमान तो पक्का हो ले, पक्का मुसलमान नहीं होते, पक्का मुसलमान नहीं है। तो ही मुतमिन नहीं होते को। मैं ऐसी नहीं मुतमिन, पूरी कौम ही नहीं मुतमिन। कोई भी नहीं है, जरा भी नहीं नेक आदमी, शराबी है, नशेई आदमी है, पाउडर पी के सोता है, वो तो उसे नींद ही नहीं आती। नहीं, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं? ना ना ना, बहुत बुरी कारकर्दगी है। चोरी कुत्ता जिहा रखिया ने, इंज भौंकदा जिस तरह कोई इंसान वाली गल ही है नहीं कोई। वो कहते नहीं डुबदी मुआशत नु सहारा दिता, झूठे बंदे की भी कोई है गल, इधर यह करता इधर वो करता है, कोई बंदे के पुत्रा वाली गल ही नहीं, वो गल ही ना उन्होंने पुछो दफा करो। अच्छा की झूठ बोलिया, सच कि गल पिया करता है, इधर पे आंदा मैं इंज करन लगा, मैं इंज करन लगा, उधर शब जाके उ पंगे लेंदा है असैम्बली दे, शर्म होनी चाहिए सैनट का चेयरमैन पे आंदा, वो दफा हो जा बहर, वो कुत्ते बकवास करना है पाया, उन्होंने हया ही नहीं आती है कोई इंसान वाली गल। जो इंसान होए तो उत्थे बड़ा ही ना असैम्बली दे विच वो भौंकी जाता है, भौंकी जाता है, दफा कर यार। पांच जी एक 500 रुपये घर में बिल जाएगा, बकाया मैं भरा, ये गवर्नमेंट टैक्स लावगा मैं, ऐसा कोठियां जीडिया बनिया ने। 100 रुपया बिल कदों आएगा? ऐसे महीने तो लागू हो जाए। वो तो महंगाई करी जा रहे हैं। नहीं करेंगे इन शाला, यह बाजार जिन्हें ने 50 रुपये तो शायद नहीं वादे कोई बेचण की, मैं अंदर करा दे। आ गई है जनाब परसों की। हाँ जी, गिरदारी आ गया जिन्हें सानू भुखिया मारिया, और 25 किलो जमीन मैं खरीदी है। कितने दी? 2 लाख दी। सर वक्ती तौर पे है परेशानी, उन्होंने बोला था कि भाई पहले ये 2 या 3 साल पहले मुश्किल होंगे, इंशाल्लाह आगे पूरी ज़िंदगी का जो है ना अच्छा ही होगा। सब लीग वाले कह रहे हैं जो बात करते हैं वही उस पर यूटर्न ले लेते हैं, इसके बारे में यूटर्न? सर फिर ये बात तो है, यूटर्न लिया उन्होंने, यूटर्न वो तो कह रहे थे कि यूटर्न नहीं लेना, लेकिन फिर भी ले लिया उन्होंने। सब चोर ने, सब डाकू ने, पीपल पार्टी दे, नून लीग दे, फलाने दे, फलाने दे, जड़े अच्छे आदमी ने उन्होंने तो कह रहे हैं ना कि मुल्क के उत्ते कर्जा ही कीमत कितनी गई है, पेट्रोल दुनिया का सस्ता होता पे, इतने महंगा हो गया, इतने अग लग गई है। पुरानी हुकूमत ने महंगाई की, सारे कहते हैं खजाना खाली है, वो घर लै गया। वो कह रहे हैं बड़ा नेक ते अजीम लीडर इमरान खान, उन्होंने वास्ते होगा साढ़े वास्ते नहीं जी। यानी तुम्हें उन्होंने कारकर्दगी तो मुतमिन नहीं जी? सारी मैं नहीं मुतमिन है जी। नून लीग जिंदाबाद, शेर जिंदाबाद। ना 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 ना, उन्होंने निश्त मार रहा पाकिस्तान का, वो तो सोच भी नहीं सके। महंगाई हो गई, कल डब्बा लैके आए हैं 660 रुपये का ही, 870 रुपये 30 रुपये का लैके आया, 200 रुपये इंपोर्टेड बटा डब्बा महंगा हो गया, वो तो कुछ नहीं नाकाम हो गया, पक्का नाकाम हो गया। उन्हें तो क्या मैं करप्शन का खात्मा, करप्शन को नारा ही यो ही हो रहा है, कोई नहीं वो यह गल कर करके आवाम को दसन डाया, कुछ भी नहीं। और को देखो ना, नवाज शरीफ तर शहबाज शरीफ नु भी उन्हें जेल च भिजवा दिता। ना ना ना, वो इन्हें कितने किया, पहले वो पहलों ही केस लगे थे उन्होंने। नहीं बिल्कुल नील, वो क्यों बेकार, 15 रुपये का नान, 10 रुपये की रोटी, चीनी महंगी, गैस महंगी, हर शह महंगी। उन्हें तो कहवा मुल्क खुशहाली लैके, कोई खुशहाल, हर बंदा परेशान हो गया, गरीब की अमीर की हर बंदा परेशान हो गया। उन्हें क्या मैं करप्शन का खात्मा कराऊंगा, वो अमीरों ने भी फड़ देना पे, जिन्होंने कितने उन्होंने फड़ देना पे।
ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈਂਦਾ ਪਏ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਸਾਬ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਦਨ ਪਿਆ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਨ ਜੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਯਹੂਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਲੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਇਕ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹਿਟਲਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿਟਲਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਹਿਟਲਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਉਹੀ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 100 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ 100 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕੋ ਰੋਟੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕੋ ਭੁੱਖ ਹੈ ਰੋਟੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ 6 ਅਰਬ ਸਾਊਦੀਆ ਕੋ ਲਿਆ 6 ਅਰਬ ਚੀਨ ਚੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਇਹ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਐ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸਿਰੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦ 31 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖੁਦ ਆਪੀ ਚੋਰ ਨੇ ਆ ਖੁਦ ਚੋਰ ਨੇ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਉਹ ਕੈਸੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੀ ਆਵਾਮ ਪਰ ਡਾਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ 6 ਅਰਬ ਚਾਈਨਾ ਸੇ 6 ਅਰਬ ਸਾਊਦੀਆ ਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਔਰ IMF ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰਜ਼ਾ ਲੇਂਗੇ ਇਨਕਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਹਦਾਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀਆ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ 12 ਅਰਬ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੋ MPO ਕੋ MN ਕੋ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਸੇ ਦੇ ਰਹੇ 6-6-7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਧਰ ਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਨੇ ਸਭ ਡਾਕੂ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹ ਉਧਰ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡਿਆ ਮੁਲਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਆਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਪੱਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਘੁੰਮਦ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਇਹਦੇ ਘੁੰਮਦ ਅੱਛੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰੇਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਲੀਮ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਏਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਕੂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਕਸ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਾ 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 ਮੁਤਮਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਮਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੌਰ 'ਚ ਅਖਰਾ ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਦਿਨ ਤੇ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲੀ ਪੁੱਪ ਦੇ ਰਹਾ ਉਧਰ ਸੇ ਲੇ ਰਹਾ ਇਧਰ ਦੇ ਰਹਾ ਉਹ ਕੈਸੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਲੇ ਰਹਾ ਇਧਰ ਹਮੇ ਖਿਲਾ ਰਹਾ ਦੇ ਰਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਸੇ ਬੜਾ ਇਹ ਖੁਦ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸੇ ਸਭ ਨਾਲ ਦਾ ਉਸਕੀ ਬੈਨ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਇਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਨੇਕ ਲੀਡਰ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
सब तो नशे नशे में कितनी दफ़ा नीफवासी ने बोला है कि वो आओ डी एन टेस्ट करवाएं, वो जाता ही नहीं। सब तो नशा नशे में सब डूबा हुआ, उसने क्या करना है। अच्छा, जो 100 दिन का उन्होंने प्लान दिया था, फिर वो फारिग जीरो है। जीरो वो कैसे? वो आपके सामने है सारा जीरो। उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं? जो वो खुद कह रहा था मैं नहीं करूँगा, वो ही सारा कुछ कर रहा है। नहीं भाई, मुतमिन ही नहीं है, वो तो बहुत मकाड़ आदमी है। वो कैसा था? मकाड़ है। जो वादा किया तो उसने एक वादा नहीं पूरा किया, हमने खुद उसे वोट दिया, एक वादा नहीं उसने पूरा किया। कहता मैं यू टर्न ले रहा हूँ, इतने तो मुल्क में यू टर्न नहीं है जितने उसने ले लिए। उसने तो कहना मैं डूबती हुई मुआशियत को सहारा दूंगा, ईमानदार लीडर ही नहीं है, अजीम तो नेक लीडर है, पीटीआई वाले कह रहे हैं। कोई कारकर्दगी नहीं जनाब उन्हें, बिल्कुल ही ना उन्होंने होनी है कारकर्दगी पूरी। सरमाया पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुतमिन हां साहब। नून लीग वाले चीखा मार देने पे पिट देने पे है, डाकू चोर है, सब लुट के खा गए ने, हर चीज़ लुट के खा गए। कि चीज़ छड़ी आज भी पकड़िया गया, माल काफ़ी सारा लाहौर का माल पकड़िया गया, सी बंगले पकड़े गए। वो कह रहे हैं कि साड़ी हुकूमत दे विच पेट्रोल सस्ता सी, डालर सस्ता सी, इन्हां दी हुकूमत आउंदे ही हर चीज़ महंगी हो गई है। 5-6 अरब रुपया डेली सूद दा इन्हां दा ही दे रहे हैं असी, तरीके इंसाफ ही दे रही है। लिहाजा इंशाअल्लाह इन्हां नूं असीं दसांगे, इंशाअल्लाह को थोड़ा जिहा वक्त कढ़ो, इंशाअल्लाह तरीके इंसाफ अच्छे काम करे। 100 रुपये का प्लान के बारे में उसने, ये महंगाई पे तो कंट्रोल नहीं हुआ, महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर की तरह किधर पहुंच गया है, और तो कुछ नहीं अभी तक हुआ, बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, और तो 100 दिन में कुछ नहीं, ऐसी तब्दीली नहीं कोई भी आई। कारकर्दगी तो मुतमिन नहीं, कारकर्दगी फेल है, नाकाम गवर्नमेंट है, ना अहल गवर्नमेंट है, ना अहल वजीर ने, सवाए बोलन दे चोर डाकू दोनों को कोई है ही नहीं, कोई काम ही नहीं कर रहे हो। तो पीटीआई वाले तो कह रहे हैं तो एडा अजीम लीडर तारीख च नहीं आया। अजीम होना दी नजर च ना, आवाम दी नजर च नहीं, या लियाण वाले दी नजर च होएगा अजीम लीडर जिन्होंने उन्हें लियांदा है। कारकर्दगी कोई नजर नहीं आई, तब्दीली नजर नहीं आई। उन्होंने तो कहा ही डुबदी मुआशियत नु सहारा दिता है, वड्डियां तो एहतसाब शुरू किया है, ओमनी ग्रुप नु असी फाश किया जिहड़ा तारीख च अज तक नहीं किसी ने किया। 100 दिन सौ दिन नहीं, उन्होंने अच्छे काम तो है जो फौरी सन, लेकिन 100 दिन से मुआशियत किस तरह कर लेनी थी उन्होंने। 100 दिन उन्होंने क्या ही डायरेक्शन देंगे मुल्क नूं चलन दी, उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं, उन्होंने हम पता लगेगा ना की करना है। गलत करता वे इमरान हां किवें ठीक है कि नहीं, ऐ लोगों ने मकान वगैरह दुकाना वगैरह ढांदा पे, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना, इमरान खान का फैसला थोड़ी होता। चलो भाई जी का भी है पर हल गलत ढूंढा पे, गरीब लोग गरीब आम है ठीक है कि नहीं, गलत करते पे ने। 100 दिन कुछ भी नहीं किया उन्हें, किवें उन्हें क्योंकि जेड़िया ने वादे किए हैं कोई पूरा नहीं कर रहा वादे। उन्हें कहना मैं टाइम दिता जाए मैं वादे पूरे करा, वादे पूरे कोई भी नहीं करने उन्हें, इमरान खान चंगा बंदा है नहीं। देखो गल है वे कि इस हुकूमत नूं आया 100 दिन होया, तो जिहड़ी पहली हुकूमत गुजरी है उन्हूं 32 साल गुजर गए ने, तैनू कोई टाइम मिलेगा तो जरूर बेहतर होएगा। मैं मुतमिन हां। किवें? बस हमें मुतमिन हां। नून लीग वाले कह रहे हैं कि उन्होंने हर चीज़ महंगी कर छड़ी, पेट्रोल डीजल हर चीज़ डबल महंगाई हो गई, उस बारे तुहाडा की ख्याल है? मेरा ख्याल है वे कि जिहो जे पहले ला चल रहे हैं ना, उन्होंने स्टेबल करने वास्ते सारा कुछ होना सी। कह रहे ना पहला पेट्रोल सस्ता सी, हुण इहनां दे दौर च महंगा हो गया, बिजली सस्ती सी ओह महंगी, कोई गल नहीं जिहड़ी हुकूमत आंदी है शुरू विच उन्हूं सारे मामला धोंदे, डालर भी महंगा हो गया 135 रुपए ते चला गया, कोई गल नहीं 140 ते भी जाएगा। 100 दिन पूरा धो लेने भाई, अज 101 दिन चले, मुझे नहीं पता था कि 101 दिन है, बाकी क्या हो जाएगा आस्ता आस्ता जो है ना, जारी बात है अब नई हुकूमत आई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, फिर आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। पहले भी इतनी देर से हम लोग देखते आ रहे हैं जी महंगाई महंगाई महंगाई, ये बादशाह से ठीक होगा ना, क्या ख्याल है? अब नई हुकूमत आई है तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। गल है कि बंदा तो ठीक है, नाइस आदमी है, पठान है, जी जबान करता है वो पक्की करता है, मैं नून लीग दा वहाँ, लेकिन है वे कि एनवायर की मैं वोट दिता है, चांस दिता है, तो फिलहाल कम तो फिलहाल ठीक कर रहा है, तो देखो अगों अल्लाह नू जो मंजूर है। चल नून लीग वाले कह रहे हो तो यू टर्न नहीं बड़े लेंदे, और यू टर्न तो फिर गेंद पुराना हो जाए तो ले लेंदे, फिर वो गेंद पुराना हो गया तो यू टर्न तो आदत है वो ले लेंदे,
लेकिन काम वो फिलहाल ठीक कर रहे हैं। किया क्या है उन्होंने पहले बताया? सही, उन्होंने बाहर से कर्जा ले आए हैं 6 अरब सऊदीया से, 6 अरब चाइना से, अब IMF से भी कर्जा ले रहे हैं। मुल्क के हालात वो कह रहे हैं बेहतर करेंगे, जब करेंगे तब देखेंगे हम। वैसे तो हमें पता है इन्होंने करना कुछ भी नहीं।